देखना सुनिए लाना बहुत खराब बात है, इसलिए वापस लेना। एनआरसी का सोचा बंद करना, एनपीआर रजिस्ट्रेशन बंद करना, बल्कि सारा देश में रिटायर हो रहे हैं। बीजेपी गवर्नमेंट रिलीजियस के हिसाब से रिलीजन हिसाब सिटीजन को डिवाइड करना बहुत बुरी है। कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है ये सोच है, पूरा बंद करना, वापस लेना हिंदुस्तान के चांद पे। ये तो सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन के बेसिस पर रिलीजन है, इसके लिए मैं डॉक्टर समीना, आज यहाँ पर वीर आलम ईदगाह के पास इसलिए जमा हुए हैं सब तिरंगा रैली में शिरकत करने के लिए। यहाँ पर 1 बजे से नमाज होगी, उसके बाद दुआ होगी, हम इंशाल्लाह 2 बजे के टाइम यहाँ से निकलेंगे। काफ़ी औरतें जमा हो गई हैं यहाँ पर, मुसलमान हिंदू सिख ईसाई ऐसा कोई नहीं है, हर एक का मामला है, हर एक का मसला है, ये सिर्फ मुसलमानों का ही मसला नहीं है। तो इसलिए हम यहाँ जमा हो गए हैं कि यहाँ से हम जो ना 2 बजे निकलेंगे और पैदल पूरा जो ना प्रोग्रेस कर लेते हुए शास्त्री पुरम जाएंगे। तो ये हम इंडिया गवर्नमेंट के खिलाफ हमारा ये प्रोटेस्ट है, क्योंकि CAA NCR के ताल्लुक से काफ़ी गैर ज़रूरी जो है ना तमाशा किया जा रहा है। हम जो ना इसी के वास्ते जो ना पूरे जमा हुए हुए हैं यहाँ पर हम लोग। और एक चीज़ क्या है, देखिए आप इंडिया गवर्नमेंट जब से आई है सिर्फ और सिर्फ तकलीफ ही देते जा रही है। जवान बच्चों को नौकरियाँ नहीं है, किसी को कुछ भी एजुकेशन में कुछ स्कॉलरशिप नहीं है, और देखिए आप सारे चीज़ें तकलीफ, और औरतों के लिए कोई स्पेशल सिक्योरिटी नहीं है। क्यों नहीं है, ये लोग क्या कर रहे हैं, क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? देखिए आप रोटी कपड़ा मकान ये लोग नहीं दे सक रहे, और जो है ना ये सहूलत को भी ख़त्म कर दे रहे हैं। ट्रिपल तलाक का मामला आ गया, ये लोग अपनी जिद करके ये शरीयत में मुदाखलत करें। उसके बाद दारू मस्जिद का सालों से चल रहा था, उसी का भी हमारे साथ सही नहीं हुआ, वो भी फैसला गलत हो गया हमारे साथ, फिर भी हम सबर से खामोश हैं। मगर अब आप बोल रहे हैं कि जो ना ये देश के लिए आप सिटीजनशिप के लिए अम्मा का बर्थ सर्टिफिकेट बाबा का बर्थ सर्टिफिकेट लाइए बोलेगा। अब जब मैं ही 40+ मैं 50+ हूँ तो कहाँ से लाऊंगी, मेरे वालिद साहब का मेरी माँ का बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ से लाऊंगी? और बताइए मैं एक पढ़ी लिखी हूँ, मैं ला लूँगी, दूसरे लोग कहाँ से लाएंगे? और अक्सर हमारे महाशय में खासकर पर मुस्लिम औरतों में 18 साल में जो है शादी कर देते, हम अस्मा बेगम रहता जाने वाले अस्मा सुल्ताना नाम रख देते, तो चेंजेस आ जाते हैं। ये सब चीज़ों के लिए हम जो ना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मैदान में आए, एक बार नहीं 100 बार आएंगे, एक बार नहीं कई बार आएंगे, आते रहेंगे। हमारे जानों की भी कुर्बानी अगर लगी तो हम देंगे, हमारे देश के लिए, हम जो है बचाने के लिए। हिंदुस्तान उनके बाप का नहीं है, सबका है। मैडम आपके साथ कितने लेडीज है बेबी? काफी है, मैं गिनने सकती हूँ, कम से कम 200-300 तो औरतें हैं मेरे साथ। आज का जो प्रोटेस्ट हो रहा है CAA और NRC NPR मोदी अमित शाह RSS के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है, आज ये तिरंगा रैली है। CAA NPR NRC जो बिल पास किए अमित शाह, आज तमाम आवाम जो है रिश्ते जो है पूरे हिंदुस्तान में, हम सबसे पहले जो है ये लोग इकोनॉमिक की बात नहीं करते, जो मुद्दे पे जो बात करना है उसकी बात नहीं करते, ये लोग इकोनॉमिक हो जैसे ट्रिपल तलाक की बिल लाए और क्या बोलते हैं 370 लाए, 370 का शेयर, और जो है काफ़ी ज़्यादा पब्लिक को जो है परेशानियाँ उठानी पड़ रही है, डिमोलाइजेशन के प्रति जो है सारा हिंदुस्तान जो है लाइन में खड़ा रहता है, लाइन में खड़ा हुआ था, और आज भी जो है NPR CAA और NRC के तरफ से जो है सारे हिंदुस्तान की आवाम रोड पर है, प्रचार कर रही है, नोटिस कर रही है। NRC और CAA NPR का मतलब क्या है? ये CAA का मतलब ये है सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, और NRC का मतलब है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, NPR का मतलब है नेशनल रजिस्टर ऑफ पॉपुलेशन।
आज जो है सदर मोहतरम कुलीन मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की जानिब से एक NRC CAA और NPR के खिलाफ एक एहतजाजी जुलूस निकाला गया है, तिरंगा रैली। और ये निकालने का सबसे बड़ा मकसद ये है कि सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि लोग बोल रहे थे कि हैदराबाद, पूरा हिंदुस्तान उठा हुआ है, हैदराबाद क्यों खामोश है। लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए, जब हैदराबाद उठता है तो हिंद की सरकार को बिठा देता है। ये हैदराबाद है, ये कोई मामूली जगह नहीं है, ये हैदर कर्रार की निस्बत है, ये हैदर कर्रार की निशानी है। ये जब हैदराबाद की आवाम उठती है तो पूरे हिंदुस्तान के हुकूमतों को बिठा देती है। मोदी जो तानाशाही, अमित शाह जो तानाशाही कर रहे हैं, ये जो NRC और CAA जिसको वो कह रहे हैं कि अलग अलग अंदाज से देखा जाए, लेकिन ये एक है। आपको मालूम है हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान यानी कि इसमें हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, दलित है, हर किस्म का, हर मजहब का इंसान है। मुसलमानों के 72 फिरके हैं यहाँ पे, तो हिंदुओं के कितने फिरके नहीं होंगे, हर कोई है यहाँ पे। लेकिन आज मुसलमानों को निकालेंगे। अमित शाह बोल रहे हैं कि अगर NRC में नाम नहीं आया तो हिंदू हिंदुस्तान का सिटीजन रहेगा, ईसाई हिंदुस्तान का सिटीजन रहेगा, मुसलमान हिंदुस्तान का सिटीजन नहीं रहेगा। ये क्या है भाई, ये गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है। लेकिन मुसलमान को तो मोदी, तो क्या मोदी का बाप भी नहीं निकाल सकता। लेकिन ये किस लिए आया मालूम आपको, NRC किस लिए लाए, जब इन लोग सबसे बड़ा घोटाला करते, सबसे बड़ा घोटाला, तो कुछ ना कुछ हिंदुस्तान में पब्लिक का माइंड डाइवर्ट करने के वास्ते निकालते। आपको मालूम BSNL बिक गया, आपको मालूम हिंदुस्तान पेट्रोलियम बिक गया, ये पब्लिक के सामने नहीं आना, इसलिए जो है ना NRC लाए। ये बहुत बड़ी मुसलमानों के खिलाफ साजिश है। आज इंशाल्लाह पूरे हिंदुस्तान को हैदराबाद जवाब देगा आज के, जब हैदराबाद उठता है ना तो अच्छे अच्छे ताने शायद सो जाते हैं। अरे हैदराबाद वाले जब उठ गए ना तो हुकूमतों को गिरा दिया, ये क्या चीज़ है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे नाज है मेरे सदर पे, मैं आज ये बात बोल रहा हूँ। जिस तरह मेरा सदर पार्लियामेंट में बिल पाड़े, खुदा की कसम दुश्मन आने हिंदुस्तान को भी पाड़ेंगे, दुश्मन आने संविधान को भी पाड़ेंगे। इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है जब लाल किले पे तिरंगा बराबर मेरे सदर के हाथों से लहराएगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय हिंद। आज का यह दिन शान रैली समिति के लिए CAA, NPR, NC, NRC के अगेंस्ट यूनाइटेड मुस्लिम फ्रंट की जानिब से और हमारी सरस्वती पार्लियामेंट जेरे क्यादत, आज हैदराबाद की आवाम इस बात का सबूत दे रही है कि हैदराबाद की आवाम न सिर्फ सोती है बल्कि सोने वालों को जगा देती है। हैदराबाद की आवाम, अभी आप देखिए सिर्फ रैली का टाइम शुरू हो गया, 20 मिनट हुआ, सरों का समंदर है। अभी शाम के 5 बजे तक पता चलेगा कि हिंदुस्तान की सबसे तारीखी रैली। और ये हमारी एहतजाज, जब तक NRC, NPR और CAA जैसे इवन लॉस खत्म नहीं होंगे, हमारा एहतजाज चलेगा। इसको खत्म मत समझिए, ये आगाज है, इंतहा दिल्ली का तख्ता उलटने पे होगा। वापस लो, काला खान वापस लो, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान।
Yes, I'm-